लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ अब एक नया मोर्चा खोल दिया है। जी हां, अजमेर में भाजपा के चुनाव कार्यालय पर पूर्व मंत्री व अजमेर उत्तर के विधायक वसुदेव देवनानी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि गहलोत सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे वैभव गहलोत को जिताने में लगे हैं। देवनानी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने, आपको बता दें कि इन 4 महीने के कार्यकाल में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और जिसका बदला जनता लोकसभा चुनाव में जरूर लेगी। चुनाव प्रारंभ हो रहे हैं, इस समय चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। उस दौरान जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर स्पष्ट हताशा दिखाई दे रही है। वे अब केवल वैभव को जिताने में ही जुटे हैं। चारों ओर घूमने के बाद उनको लगा कि मेरी बात कोई मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और प्रारंभ में जो कुछ उन्होंने बातें कही वे सब भूत।